गाइस नमस्कार, मैं दीपक यादव और आज आप लोगों के लिए बहुत दिन बाद एक गाड़ी का रिव्यू लेकर आया हूं और इनके ओनर भी हमारे साथ आए हुए हैं और ओनर से आपको मिलवाऊंगा भी आज। और जो गाड़ी हमारे पास है हुंडई की i20 है 2017 मॉडल और ये टॉप मॉडल ऑप्शनल में आती है, ऑप्शनल टॉप मॉडल एसएक्स थी और ये डीजल में है CRDI, ये बहुत ही पावरफुल गाड़ी है। तो इसका पूरा फुल रिव्यू करेंगे हम और इनके ओनर से पूछेंगे भी हम गाड़ी आपने कब लिया, कितने में लिया और क्या इनका ओनरशिप रिव्यू रहता है, क्या इसका एक्सपीरियंस रहा इस गाड़ी के साथ, पूरा शेयर करते हैं। और आपको मैं दिखा दूं फ्रंट से तो इस टाइप से लुक है, काफ़ी मजबूत में गाड़ी आती थी। यूरोन कप में इसका टेस्ट भी अच्छी रेटिंग्स है और 15 इंच के लाइबिल्स प्रोजेक्टर सब कुछ मिल जाता है इस गाड़ी में आपको, कितनी बेहतरीन लुक में, रोड प्रेजेंट इसका बहुत ही लाजवाब है। तो आइए मिलते हैं और गाड़ी के बारे में पूरा फुल डिटेल्स करते हैं। लाइट्स के बारे में बात करें तो लाइट्स आपको प्रोजेक्टर मिल जाता था टॉप मॉडल में, उसमें ये एसएक्स ऑप्शनल है तो उसमें नीचे आपको एलईडी मिलती थी। यहाँ पे ये देखिए 1 2 3 4 5 पांच एलईडी आपको दिया हुआ है, आगे प्रोजेक्टर दिया हुआ है, नॉर्मल हैलोजन में दिया हुआ है और यहाँ पे आपको जो है नॉर्मल साइड इंडिकेटर से यहाँ पे हैलोजन दिया हुआ था और नीचे फॉग लैंप का आपको ऑप्शन मिल जाता है फ्रेंड्स। और नीचे आपको देखे तो इधर हुंडई का लोगो मिल जाता है और इस साइड भी सेम चीज़ वही मिलती है, फाइबर क्वालिटी अच्छा दिया हुआ है, मजबूती बढ़िया है और इस साइड में आपको पूरा क्रोम मिल जाता है, इसमें चारों तरफ से ऊपर से नीचे तक क्रोम मिल जाता है, ये फाइबर में है और यहाँ से आपको लोहा मिलता है, मजबूती आप देखो तो बहुत ही अच्छा रोड प्रेजेंट इस गाड़ी का निकल के आता था। आप इसकी खूबसूरती देखो, आज भी मतलब रोड क्लियर है गाड़ी, अगर रोड पे निकलती है तो लोग i20 को अलग नाम से जानते हैं, इसके ओनर को एक अलग पहचान मिलती है इस गाड़ी को कि भाई i20 वाले हैं। स्विफ्ट वाले को स्विफ्ट वाला इतना नहीं डिमांड मिलता जितना इसको मिलता है i20 वाले को, रोड प्रेजेंट इसका बहुत ही बेहतरीन लाजवाब है। आप साइड से गाड़ी देखो और इसमें बात करें टायर्स प्रोफाइल की तो 15 इंच का इसमें आपको अलाइबल मिलता है और फ्रंट में इसमें आपको डिस्क ब्रेक और रियर में आपको ड्रम ब्रेक्स मिलता है। गाड़ी देखने में आपको विड्थ और लंबाई और ऊंचाई वाइज काफ़ी अच्छी लगती है और ग्राउंड क्लियरेंस की बात करें तो 165 mm का ग्राउंड क्लियरेंस में मिल जाता है। साइड में इसमें टॉप मॉडल है, सब सारे फीचर्स इसमें दिए हुए, बैक कैमरा हुआ है, 7 इंच का टच स्क्रीन दी हुई है और RVM पे आपको साइड इंडिकेटर्स मिल जाता है, पीछे एंटीना भी दिया हुआ है। और इसके इंजन की बात करें तो 1400cc का CRDI 1.4 लीटर का CRDI डीजल इंजन मिलता है। जो लोग जानते होंगे इस गाड़ी को चलाए होंगे उनको पता होगा कि इंजन कितना पावरफुल होता है, कितना पंची होता है और 2 या 3 नंबर में एक्सलेटर पुश करने पे तुरंत जो है गाड़ी को पीछे से धक्का देता है। और बात करें इसके रियर लुक के बारे में तो आपको वाइपर पीछे रियर मिल जाता है, डिफॉगर्स मिल जाता है, ऊपर एक एंटीना मिल जाता है, हाई माउंटेन स्टॉप लैंप मिल जाता है हुंडई का लोगो। और पीछे की टेल लैंप्स के बारे में बात करें तो काफ़ी लंबा LED में इसका टेल लैंप दिया हुआ है, एक साइड इंडिकेटर यहाँ पर दिया हुआ है, i20 की बैजिंग मिल जाती है आपको नीचे, पीछे कैमरा का बैजिंग वहाँ पर दिया हुआ है और पीछे की से ही बूट ओपन होता है और एस्ट्रा का लोगो CRDI की बैजिंग मिल जाती है और नीचे रिफ्लेक्टर्स और जो है पीछे का बैक लाइट भी इसमें बैक गियर लाइट भी दिया हुआ है फ्रेंड्स। तो आइए इनके ओनर से मिलते हैं और जानते हैं इस गाड़ी के बारे में। तो इनके ओनर भी हमारे साथ ही हैं तो जानते हैं गाड़ी इन्होंने कब लिया, कैसे लिया, क्या इनका 5 सालों में एक्सपीरियंस रहा इस गाड़ी के साथ और अभी दूसरी गाड़ी क्या ओनर से लेंगे और क्या बताते हैं इस गाड़ी के बारे में, आइए। तो ये हैं गाड़ी के ओनर्स, तो नाम बताइए अपना सर। नमस्कार सर, नमस्कार, मेरा नाम दीपक सिंह है, मैं मऊ का निवासी रहने वाला हूँ। मेरा भी नाम दीपक यादव है, दोनों लोग एक ही नाम के आदमी हैं। अच्छा, तो कब लिया था आपने गाड़ी है? सर मैं ये मार्च 2017 में लिया था। मार्च 2017 में जी। तो उस टाइम कितने की पड़ी होगी लगभग गाड़ी? 10 लाख पड़ गई सर। 10 लाख, एक क्योंकि ऑप्शनल है इसमें और बटन से स्टार्ट भी होती है, स्टार्टिंग है, इंजन स्टॉप बटन से भी। तो उस टाइम 10 लाख में आपको ब्रेजा भी थी, हुंडई वन्यू भी आती थी और भी कई गाड़ियाँ थी 10 लाख ऊंची टायर वाली। तो आपने ये क्या चीज़, हुंडई की गाड़ियाँ सब अलग होती है। अच्छा, हाँ, जो मजबूती के माने में देखा जाए तो मजबूती होती है, हाँ। चलने की भी आरामदायक है, सीट वगैरह बैठ के चलेंगे तो थका महसूस नहीं होता है। अच्छा, आप यहाँ से अब 300-400 किलोमीटर स्टार्ट कर जाइए तो मतलब ये नहीं होगा कि मतलब मैं गाड़ी चला के आया हूँ, मतलब थकान नहीं, थकान महसूस नहीं होती, कंफर्ट एकदम होती है। हुंडई का तो ये रिलायबल और कंफर्ट बहुत तगड़ा वाला होता है हुंडई में, पता नहीं चलता है। अच्छा, तो उस टाइम और आपने कोई 10 लाख में गाड़ी नहीं देखी थी, जैसे कि स्विफ्ट डिजायर भी थी इसमें और टाटा की भी कई थी, टिगोर आई थी, हाँ, तो उसमें आपने कोई अल्ट्रोज भी थी आ गई थी, नई नई लॉन्च हुई थी, तो वो सब गाड़ी आपने नहीं चली? ये हुंडई की एक अलग ही होती है, हुंडई में एक बड़ी कमी होती है कि सर समय से सर्विस कराता आदमी, हाँ। तो कोई मतलब ये नहीं, मतलब आप सुजुकी गाड़ियों को आप बनवाएंगे 2 बार, हाँ। तो इसमें एक बार काम आएगा, एक बार काम ये होता, मगर आज के समय में लोगों को रिसेल वैल्यू देखते हैं, रिसेल वैल्यू देखते हैं, मगर ये मजबूती के माने में हर एंगल से गाड़ी हमारी मतलब बढ़िया है, मतलब वजन तो है गाड़ी में, गाड़ी में भाई दम बहुत है, मतलब दम का मतलब इसके लोहे में बहुत दम है, गाड़ी मजबूत भी है और मारुति से इसकी मजबूती में पुरानी वाली i20 का कोई तोड़ नहीं है जी। कोई तोड़ नहीं है। और माइलेज क्या दे देती है आपको? सर ये माइलेज सिटी में चलाऊं
220 दे देती है सर। 20-22 आराम से सिटी एसी पे जी। और मैं अभी बैठ के आया गाड़ी में, इसकी कूलिंग इसकी बहुत लाजवाब कूलिंग है। और गाड़ी कितने चला दी आपने अभी? 61,000 चल गई है। 61,000 चल गई है जी। तो गाड़ी 61,000 उन्होंने चला भी दिया है। अभी कंपनी के स्टॉक टायर लगे हुए हैं, आप देख सकते हो टायर से गोटियाँ भी इतनी सारी बची हुई हैं। तो और पाँचों इसमें अलॉय व्हील्स आते थे। और गाड़ी बहुत ही पावरफुल है, i20 का कोई मतलब तुलना ही नहीं है मारुति स्विफ्ट से और किसी और गाड़ी से, मतलब इस रेंज में मतलब हैचबैक गाड़ियों में है कि नहीं जी। और प्रॉपर 5 सीटर गाड़ी है। और इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे कि कोई बंदा अगर इसे लेना चाहता है कि सेकंड हैंड खोज रहा, क्या प्राइस में इसको मिल जाएगी गाड़ी? 17 मॉडल 16 मॉडल जी मिल उस प्राइस में सर। हाँ, कितने प्राइस तक उसको लेना चाहिए? समथिंग 5 लाख की वेल मेंटेन गाड़ी है। वेल मेंटेन आदमी जैसे गाड़ी बढ़िया चली चली बढ़िया चलाया गाड़ी बड़ी नहीं है गाड़ियाँ हाँ। तो 5 लाख भी 17 मॉडल मांगनी हाँ। पड़ेगी सर, मांगनी पड़ेगी टॉप मॉडल। पेट्रोल मतलब जो डीजल है हाँ। पेट्रोल से मतलब लाख गुना अच्छा है सर डीजल ना जी हाँ। चलने में भी हर एंगल से बढ़िया आवाज बढ़िया है, मजबूती है इसकी जी। मगर 4-5 लाख में लेना तो i20 बेस्ट है। नई गाड़ी बना जाके 8-9 लाख पे इसको लेके एक बार मजा ले। अब तो इंजन भी नहीं आ रहा, अब तो पेट्रोल लोग दे रहे हैं और पेट्रोल का मजा भी नहीं जो इसमें मजा है पंच है। तो चलिए गाड़ी के अंदर चलते हैं और चलते हैं अंदर क्या क्या फीचर्स क्या क्या फंक्शन है वो चेक करते हैं और गाड़ी चला के देखते हैं क्या इसमें पावर है। फ्रेंड्स से बात कर रखी कि कुछ इस टाइप से इसकी की मिलती है, हुंडई का लोगो मिल जाता है, नॉर्मल की इसमें चौबी अभी नहीं आती है, बिल्कुल टॉप मॉडल है। तो बस कीलेस एंट्री है, इसको पास में लाना है और इसको ओपन यहाँ पे पुश करना है। और देखिए RPM ये सब हुंडई ही देती थी इस प्राइस रेंज में। तो बात करें डोर ओपनर से तो चारों पावर विंडो को मिल जाते हैं, लॉक अनलॉक का फीचर्स मिल जाता है, RPM मिल जाते हैं यहाँ पे, कंट्रोल्स शीशों को साइड मिरर्स को आप यहाँ से कंट्रोल कर सकते हैं। फ्रेंड्स आइए अंदर बैठते हैं, अंदर बैठ के जानते हैं इसके पूरे बारे में। तो फ्रेंड्स इस टाइप से अंदर से देखते हैं, हमने गाड़ी स्टार्ट कर दिया, बहुत गर्मी है तो गर्म के मारे रह नहीं जा रहा था, तो इसलिए हमने एसी कुछ ऑन कर दिया। एसी कूलिंग बहुत अच्छी है, गाड़ी 5 साल के बाद भी अच्छा परफॉर्म कर रहा है एसी। तो फ्रेंड्स की बात करें तो काफ़ी यूनिक इसका जो है, मैं आपको बता दूं स्टेयरिंग साइज का और बहुत ही बढ़िया हुंडई का लोगो, मजबूत अब वाली स्टेयरिंग की फील अब नई वाली गाड़ियों में नहीं आती है। और इस गाड़ी टॉप मॉडल ऑप्शन में अगर 5 लाख में सेकेंड हैंड भी लेते हैं तो सारे ऑप्शन आपको मिल जाते हैं यहाँ पे। वैल्यूम्स फ़ोन उठाना कट करना, वैल्यूम अप एंड डाउन, मोड्स म्यूट का बटन मिल जाता है आपको इधर से, आप इधर सारे मोड यहाँ से कंट्रोल कर सकते हो। आप यहाँ से देखते हो इसका कुछ इस टाइप से दिखता है, एवरीथिंग सारी MIDs आपको यहाँ पर कंट्रोल्स आप देख लोगे, आप यहाँ चेंज कर सकते हो गाड़ी क्या रेंज है, क्या माइलेज गाड़ी दे रही है। आप 18 किमी प्रति लीटर का माइलेज गाड़ी आपको दे रही है, आप रिसेट कर सकते हो गाड़ी, देख लो 61,646 किलोमीटर चली है। और अभी मैं आपको ये बता दूं सबसे बड़ी बात कि 3 खूटी ही डीजल इसमें दिखा रहा है और गाड़ी की 449 किलोमीटर की रेंज दिखा रही है। ये गाड़ी का रेंज दिखा रहा है ना 449 का, ये देख लो प्लस पॉइंट की मतलब आधा से भी कम है और 449 की रेंज दिखा रही है। इसका माइलेज आप अगर आप हाईवे पे चलाओगे 100 पे लगभग क्रूज करो गाड़ी को तो आराम से 22-23 की माइलेज गाड़ी निकाल के देगी। ये बहुत बढ़िया है, अभी आप नई गाड़ी 9 या 10 लाख रुपए लगाते हो गाड़ी में तो आपको ही पेट्रोल 15-12-13 का माइलेज सब कुछ मिलता है। और सेकंड हैंड गाड़ी लेने से एक बेनिफिट होता है कि आप जो है मेंटेन करना भी सीख जाओगे गाड़ी के बारे में। तो फ्रेंड से बात करें तो आपको ये 7 इंच का आपको जो है टच स्क्रीन सिस्टम मिल जाता है। इसका बैक कैमरा मैंने टेस्ट किया, बहुत अच्छा नहीं था, अभी मैं आपको लगा के दिखाता हूँ। तो बहुत क्लियरिटी बैक कैमरे में नहीं है और इसमें स्टेयरिंग वाला फील है, जिधर आप स्टेयरिंग काटोगे उधर कैमरा कटेगा। आपको ऑप्शनल में फीचर्स मिलता है और इस रेंज में किसी भी गाड़ियों में अब यह फीचर्स नहीं आएगा जो स्टेयरिंग वाला, जिधर काटोगे उधर। लेकिन हाँ कैमरे क्वालिटी थोड़ी सी लो है, बहुत अच्छी मैं नहीं कहूँगा। और 4 एयरबैग टॉप मॉडल ऑप्शन में 4 एयरबैग हैं, एक उस साइड में 2 और 2 पीछे मिलते हैं पिलर्स में, 4 एयरबैग मिल जाते हैं। और एसी की पुशनिंग बहुत बढ़िया, प्लास्टिक क्वालिटी बहुत हुंडई देती है, बहुत ही अच्छी प्लास्टिक क्वालिटी इसमें दिया हुआ है। मारुति से इस प्लास्टिक क्वालिटी कोई तुलना नहीं, बहुत ही मजबूती है प्लास्टिक में। और डैशबोर्ड बहुत सारा, मेरा हाथ वहाँ तक नहीं जा पा रहा आप देख सकते हो, इसलिए आप बहुत कुछ सामान यहाँ पे रख सकते हो इस कार में। और आपको अंदर की बात करते गियर हो गया आपका यहाँ पे दिया हुआ है, आप यहाँ पे मोबाइल वगैरह रख सकते हो, 12 वोल्ट सॉकेट मिल जाता है, USB मिल जाता है, ऑक्स का यहाँ सपोर्ट मिल जाता है, ऑटोमेटिक एसी कंट्रोल्स मिलते हैं इसमें, सारे ऑटोमेटिक है। आपको जो डिफॉगर मिल जाता है आपको यहाँ पे जो है, आपको सब कुछ भी सामान रखने के लिए ग्लव बॉक्स मिल जाता है, काफ़ी डीप ग्लव बॉक्स, आप इसमें बहुत सारा सामान एंगेज रख सकते हो। फ्रेंड्स बात करें इधर का तो हैंड ब्रेक्स नॉर्मल दिया हुआ है, यहाँ पे आप एक लीटर का और एक आधा लीटर का वाटर होल्डर 2 होल्डर रख सकते हो। हैंड रेस्ट भी इस गाड़ी में टॉप मॉडल में है, हैंड रेस्ट की बात करें भी काफ़ी डीप है, काफ़ी अच्छा है। और ऊपर की बात करें तो ये गाड़ी चलती कम है, थोड़ा सा इसका रख रखाव कम चलती है, यूज होती है तो थोड़ा सा जाम हो गया होगा। मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे सनग्लास होल्डर्स है जो ओपन नहीं हो रहा है, थोड़ा सा इसमें कुछ रस्टिंग वगैरह हो गई होगी, अभी खुल जाएगा ये। और इधर आपको एयरबैग्स की बैजिंग मिल जाती है, यहाँ पे एक साइड मिरर्स मिल जाता है, इस पर कोई भी लाइट ऊपर नहीं आती है। और इधर कुछ इस टाइप से नहीं दिया हुआ है, बैठने की पुशनिंग बहुत अच्छी है फ्रेंड्स। और सीट का कम्फर्टेबल है, सीट की आप स्ट्रेचिंग देखे तो इस साइड से काफ़ी कम्फर्टेबल सीट बनाया हुआ है और ये जो है आपको काफ़ी घुटने तक आता है, ये हाइट से जो है एकदम घुटने तक जाता है। और स्टेयरिंग की बात करें तो ये टिल्ट स्टेयरिंग दिया हुआ है इसमें टॉप मॉडल में, आप स्टेयरिंग जो है अप एंड डाउन
कर सकते हो नीचे से। तो ये रहा सब कुछ। और पीछे की मैं आपको बात करूं तो पीछे दो बंदे आराम से और एक बच्चा आ जाएगा। काफ़ी ही जो है डीप सीट इसकी दी हुई है और हेडरूम भी ठीक ठाक इसमें मिल जाएगा और पीछे बहुत सारा जगह इसमें मिल जाती है और बूट स्पेस भी इसमें ठीक ठाक मेरे हिसाब से। अभी चेक मैं नहीं किया कि कितना लीटर है, बट आप तीन बैग आराम से कैरी इसमें बूट स्पेस कर सकते हो। फ्रेंड्स चलते हैं गाड़ी को चला के थोड़ा देखते हैं गाड़ी चलने में कैसी है। और गाड़ी का मैं पावर दिखाता हूं आपको। मैं आप हाइट देख रहे हो, गाड़ी हाइट पे चढ़ेगी और कैमरे में साथ नहीं, बट बहुत हाइट में बिना एक्सेलरेटर गाड़ी उठाऊंगा, बस क्लच छोड़ रहा हूं और गाड़ी देखिए अपने आप चढ़ जाएगी। इसे कहते हैं 1.4 लीटर का डीजल इंजन ये, और पेट्रोल गाड़ी आप चढ़ाओ आजकल की जो आ रही है 1.2 वाली शायद में भी ना पॉसिबल हो पाए। तो पावर बहुत ही अच्छा गाड़ी निकालती है और मैं आपको चलाता हूँ दो नंबर में गाड़ी, थोड़ा सा पिकअप दिखाता हूँ मैं तो बहुत ही लाजवाब दो नंबर में पूछने गाड़ी जबरदस्त झटका देती है गाड़ी, सस्पेंशन में कोई काम नहीं है और काफ़ी स्मूथ। हुंडई गाड़ियाँ बहुत ही स्मूथ के लिए जानी जाती हैं, बिल्कुल स्मूथ है, कोई भी स्मूथनेस में कोई कमी नहीं है गाड़ी में, आराम से तीन नंबर चार नंबर बिल्कुल स्मूथ गाड़ी चल रही है। 1500 RPM पे आपको आराम से 50 की स्पीड निकाल के देगी। और स्टीयरिंग की बात करें काफ़ी लाइट इसकी स्टीयरिंग दिया हुआ है इन्होंने और चलाने में बहुत ही कंफर्ट है। मेरे पास रिड्स है बट रिड्स नो डाउट बहुत अच्छी गाड़ी है बट इतना कंफर्ट उसमें नहीं है जो कंफर्ट इस गाड़ी में मिल रहा है, ये कंफर्ट रिड्स नहीं निकाल के दे पाएगी। रिड्स एक अलग चीज़ है, ये अलग चीज़ है। तो फ्रेंड्स चलाने में भी हर माने में गाड़ी बहुत बढ़िया है नो डाउट्स। तो अगर आप सेकेंड हैंड प्रीफर कर रहे हो तो i20 नो डाउट्स आप ले सकते हो। स्टीयरिंग बहुत ही स्मूथ इसकी, बहुत ही लाइट स्टीयरिंग है और टायर्स प्रोफाइल भी काफ़ी चौड़ा है इसका, फिर भी स्टीयरिंग बहुत लाइट है। तो ये रहा एक, तो फ्रेंड्स कुछ रहा वीडियो, आइए लास्ट में बात करते हैं। तो भैया जी हमने हमसे बताया गाड़ी को सेल भी कर रहे हैं, ये गाड़ी बिक भी रही है, तो ये गाड़ी को कार को अपग्रेड करना चाहते हैं। तो आपका नंबर मैं डाल दूंगा अपने डिस्क्रिप्शन में, नंबर डाल दूंगा आपका, तो आप उनसे बात करके आप बात कर सकते हो। तो जिसको भी गाड़ी लेनी हो, गाड़ी बिक भी रही है, i20 17 मॉडल टॉप एक्सएक्स ऑप्शनल मॉडल पुश बटन स्टार्ट स्टॉप, जो भी बंदा ये गाड़ी कार लेना चाहता हो भैया जी का नंबर मैं डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में, वो उस पर चेकआउट करके डिस्क्रिप्शन में जाके इनसे बात कर सकता है या इनका ईमेल ID डाल दूंगा, ईमेल ID मैसेज कर सकता है। तो फ्रेंड्स अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो कीप अ लाइक थम्स अप एंड डू सब्सक्राइब चैनल। जय हिंद जय भारत।